गुड इवनिंग एवरीवन, माई सेल्फ हर्षदीप सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर मीरा मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड हॉस्पिटल अबोहर। सो टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट द टॉपिक ऑफ कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन इज अ बेसिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल द कोर्सेज ऑफ द GNM नर्सिंग कोर्सेज, ऑल द नर्सिंग कोर्सेज लाइक GNM बेसिक, BSc एंड पोस्ट बेसिक एज वेल एज MSc नर्सिंग। सो आज का जो टॉपिक है वो कम्युनिकेशन, जो मैं पूरा आपको फुली एक्सप्लेन करूँगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टार्ट कर रहा हूँ मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। जो कम्युनिकेशन है उसका मीनिंग क्या है? सो फर्स्टली कम्युनिकेशन क्या है? इज़ अ प्रोसेस ऑफ चेंज। और एक हम अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, कम्युनिकेशन एक वे है जिससे हम दूसरों को अपना जो इंफॉर्मेशन हम देना चाहते हैं, एक सेट ऑफ कंटेंट है, एक डाटा है, तो हम दूसरे स्टूडेंट्स को या कम्युनिटी मेंबर्स को अपनी जो इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करवा सकें, उसका एक सोर्स के तौर पर और एक प्रोसेस के तौर पर एक कम्युनिकेशन जो है वो एक्ट करता है। कम्युनिकेशन जो अपने आप में एक कम्प्लीट प्रोसेस है, इसके अलग अलग एलिमेंट्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, एक कम्प्लीट इसकी प्रोसेस चलती है, और इसके बारे में मैं आपको इसमें सारे टॉपिक में एक्सप्लेन करूंगा। सो डेफिनेशन, कमिंग ऑन टू द डेफिनेशन ऑफ द कम्युनिकेशन, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। एक तो लाइंस में इसकी जो डेफिनेशन है वो पहले मैं आपको बता देता हूं। कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ अ प्रोसेस इन विच ए मैसेज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू द अनदर पर्सन थ्रू अ सूटेबल मीडिया एंड द इंटेंटेड मैसेज इज रिसीव्ड एंड अंडरस्टूड बाय द रिसीवर। सो जैसे कि मैंने कि आपको पहले बताया कि कम्युनिकेशन एक वे है, एक प्रोसेस है जिसके जरिए एक सेंडर जो कि मैसेज को सेंड करता है, जिसमें इंफॉर्मेशन होती है, तो वो मैसेज को सेंड करता है अपनी तरफ से, और दूसरी साइड पे एक जो रिसीवर है, वो कोई भी ह्यूमन बींग हो सकता है, इंडिविजुअल हो सकता है, तो वो उसको रिसीव करता है, उस मैसेज को समझता है, उसको इंटरप्रेट करता है। सो ये एक कंप्लीट प्रोसेस है, एक इंफॉर्मेशन को सेंड करने का एक कंप्लीट मेथड है, तो उसे हम कम्युनिकेशन जो है वो कहते हैं। सो कम्युनिकेशन जो है वो बहुत लार्ज स्केल पर यूज़ होता है। इसके अलग अलग मेथड्स भी हैं, अलग अलग तरीके से हम कम्युनिकेट करते हैं। ओरल कम्युनिकेशन है, वर्बल कम्युनिकेशन है, वो मैं आगे चल के आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे कैसे हैं। सो अभी तक मैंने आपको मीनिंग क्लियर कर दिया है कि कम्युनिकेशन क्या है और उसकी डेफिनेशन क्या है। ओके, सो नेक्स्ट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ द कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन है जो, उसकी इम्पॉर्टेंस क्या है? सो फर्स्ट जो इसका अलग अलग पॉइंट्स है इसमें, फर्स्ट है इसमें दैट इज प्रमोट्स मोटिवेशन। सो कम्युनिकेशन जो है एक हम मेथड के तौर पे यूज करते हैं, इसको लेके चलते हैं कि जो कम्युनिकेशन है वो मोटिवेशन जो है वो प्रोवाइड करता है। अगर किसी को हमें मोटिवेशन जो है वो आके मोटिवेट करना है अगर किसी को, तो हमें उसमें जो मेनली मेथड यूज किया जाता है तो वो दैट इज ओरल कम्युनिकेशन। ओके, सो उसमें भी जो है कम्युनिकेशन हम यूज करते हैं, तो ये एक मोटिवेशन और दूसरे लोगों को मोटिवेट करने के लिए बहुत ही एक अच्छा सोर्स है, एक मेथड है जिसके जरिए हम दूसरे लोगों को, फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमने हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करनी है कम्युनिटी में, तो अलग अलग टॉपिक के ऊपर कैसे हम कम्युनिटी में उन लोगों को अवेयर कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं कि वो अपने जो अनहेल्दी लाइफ स्टाइल है उसको चेंज करें, तो उसके लिए हम मोटिवेट करना चाहते हैं, तो कम्युनिकेशन वहाँ पे हमें हम यूज करते हैं इस मेथड को। सेकेंड इज सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। सो कम्युनिकेशन है वो, उसकी इम्पोर्टेंस एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के तौर पे भी यूज करते हैं, या इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो रहती है। सो कम्युनिकेशन क्या है? जैसे कि मैंने आपको डेफिनेशन में एक्सप्लेन किया, एक सेट ऑफ कंटेंट या इंफॉर्मेशन को हम एक पर्सन जो दूसरे पर्सन को प्रोवाइड करता है, तो इन्फॉर्मेशन जो है वो एक साइड से दूसरी साइड पे जा रही है। और अगर मैं नर्सिंग की एग्जांपल लूँ, तो जो कम्युनिटी नर्स है फॉर एग्जांपल, या वैसे भी नर्सेज इन जनरल हम बात करें, तो जो हेल्थ से रिलेटेड हेल्थ एजुकेशन है, तो वो अगर कम्युनिटी को हमें प्रोवाइड करनी है, तो एक हेल्थ इंफॉर्मेशन जो है, हेल्थ एजुकेशन है, वो वन पर्सन दैट इज नर्सेज उनके द्वारा जो है वो आगे कम्युनिटी को प्रोवाइड की जा रही है, तो एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के तौर पर भी कम्युनिकेशन एक्ट करता है उसमें, क्योंकि बहुत सारे सेट ऑफ कंटेंट्स में इंफॉर्मेशन होती है, कैसे आप अपने आप को बीमारियों से बचा सकते हैं, कौन सी डाइट आपको लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए, हेल्थ हैबिट्स कैसी हैं, वो सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड होती हैं।
थर्ड इज आर्टिंग इंडिविजुअल्स एट एटीट्यूड्स। सो ये भी हेल्थ एजुकेशन से ही जुड़ता है, अगर पॉइंट हम ये लेते हैं तो। आर्टिंग इंडिविजुअल्स एटीट्यूड में, जैसे कि अगर जब भी हम कम्युनिटी में हेल्थ एजुकेशन देते हैं तो हम इन जनरल सभी को कम्युनिटी में, हम ये नहीं देखते कौन सा इंडिविजुअल है, हम ये देखते हैं कि हमें सभी का इन जनरल हेल्थ एजुकेशन उनको प्रोवाइड करनी है। तो उसमें जो बेसिक चीज आती है, लोग अपना लाइफस्टाइल जो है उसको हेल्दी बनाएं, डाइट अच्छी लें, स्लीप पैटर्न उनका प्रॉपर होना चाहिए, तो ये सारी चीजें हम उसमें देखते हैं। तो इसमें क्या है, कम्युनिकेशन में हम ये सारी पॉजिटिव पॉइंट्स उनको बताते हैं ताकि उनके जो नेगेटिव एटीट्यूड्स हैं या नेगेटिव लाइफस्टाइल है उसको हम चेंज कर सकें। उसमें भी इसके इम्पॉर्टेंट जो है कम्युनिकेशन की, वो बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट इज, सो ये कुछ एक पॉइंट्स मैंने आपको बताए कि कम्युनिकेशन जो है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो ये मेनली पॉइंट्स थे कि हम नर्सिंग में, मैंने आपको जोड़ के बता दिया कि हम कहाँ कहाँ और कैसे कैसे इसको यूज करते हैं, कम्युनिकेशन की जो प्रोसेस है उसको यूज करते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है नर्सिंग में, और सेक्टर्स में भी कम्युनिकेशन जो है बहुत इफेक्टिव जो है रहता है किसी भी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। क्योंकि कम्युनिकेशन अगर प्रॉपर नहीं होगा, ठीक है, तो जो आप अपनी इंफॉर्मेशन दूसरे के साथ शेयर करना चाहते हैं, किसी और इंडिविजुअल के साथ, तो वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगी, और आगे चल के जो ऑब्जेक्टिव आप अचीव करना चाहते हैं वो नहीं हो पाएगा। ओके, नेक्स्ट इज द एलिमेंट्स। सो नेक्स्ट इसमें सब टॉपिक है एलिमेंट्स क्या है। तो सेवन एलिमेंट्स जो है कम्युनिकेशन के वो होते हैं। तो कौन कौन से हैं इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार, शॉर्ट नोट में भी आपसे पूछा जा सकता है थ्योरी के एग्जाम में। सो इन जनरल जो है, सो इसमें फर्स्ट आ जाएगा सोर्स और द आइडिया, एंड सेकंड इज मैसेज, थर्ड इज एनकोडिंग, फोर्थ इज द चैनल, फिफ्थ इज द रिसीवर, सिक्स्थ इज द डिकोडिंग, एंड लास्ट इज द फीडबैक। सो दीज आर द सेवन एलिमेंट्स ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो इनको मैं वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये एलिमेंट्स क्या हैं। ओके, सो फर्स्ट है सोर्स आइडिया। सो इसमें अगर मैं बात करूँ सोर्स और आइडिया का, इसमें ये है कि आइडिया मीन्स क्या हम शेयर करना चाहते हैं, क्या इंफॉर्मेशन आगे हम देना चाहते हैं। ओके, सो उसका सोर्स क्या है, कहाँ से वो इंफॉर्मेशन आ रही है। ओके, सो जो भी हम इंफॉर्मेशन आगे प्रोवाइड करना चाहते हैं तो उसका एक सोर्स है, एक आइडिया होता है कि हम ये सेट ऑफ कंटेंट जो है वो आगे प्रोवाइड करवाना चाहते हैं। सो सोर्स वो कहीं से भी हो सकता है जो सेट ऑफ कंटेंट है, लेकिन उसका कोई लॉजिकल हमारे पास एविडेंस होना चाहिए, वो साइंटिफिक जो है उसकी अप्रूव्ड होना चाहिए, हम अगर बात करें तो वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। ओके, सो सोर्स ऑफ और आइडिया जो है वो ये चीज होती है जिसको हम आगे फॉरवर्ड करना चाहते हैं, और इसी सोर्स और आइडिया को जो सेंडर है, दैट मींस जिसने वो कम्युनिकेशन आगे प्रोवाइड करना है, तो वो उसको मैसेज की फॉर्म में एनकोड कर देता है। सो सेकंड इसमें जो एलिमेंट है दैट इज मैसेज। मैसेज क्या होता है, एक सेट ऑफ कंटेंट है और इंफॉर्मेशन है। मान लीजिए हेल्थ एजुकेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं, और हेल्थ एजुकेशन जिस टॉपिक के ऊपर हम प्रोवाइड कर रहे हैं, सो दैट टॉपिक विल बी द, अगर हम बात करें तो जो इंफॉर्मेशन है। ओके, सो जो इंफॉर्मेशन रहेगी कम्युनिकेशन में, जो भी हम आगे प्रोवाइड करना चाहते हैं, मान लीजिए हम मलेरिया के ऊपर या ट्यूबरक्लोसिस के ऊपर इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं कि ये डिजीजेस क्या होती हैं, कि साइनस सिम्टम्स, कॉजेटिव फैक्टर्स, प्रिवेंशन जो है वो क्या है, तो इस समय में जो है हम एक कंटेंट तैयार करते हैं कि इसमें डेफिनेशन बताते हैं साइनस सिम्टम और जो भी मैंने सारी चीजें बोली उसमें प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट क्या अवेलेबल होगा। तो वो एक मैसेज हम एनकोड कर लेते हैं, जो भी प्रेजेंटर होता है वो उन सभी को कलेक्ट करता है और उसको ओरली और चार्ट्स के थ्रू और फ्लैश कार्ड्स के थ्रू आगे कम्युनिटी में प्रोवाइड करता है। तो जो ये सेट ऑफ कंटेंट होता है ये इंफॉर्मेशन ही कहलाती है मैसेज, और जो इसको एनकोड करता है आगे इकट्ठा करके इसको आगे सेंड करेगा, दैट विल बी द सेंडर और द एनकोडर। ओके, नेक्स्ट इज नेक्स्ट वन इज एनकोडिंग। सो जैसे मैंने अभी बात की एनकोडिंग, तो एनकोडिंग यही है मैसेज को इकट्ठा करना, और अगर सिंपली अगर एक लाइन में हम कहें एनकोडिंग इज हाउ द मैसेज इज ट्रांसमिटेड टू द अनदर पार्टी। तो एक मैसेज को हम कैसे आगे दूसरी पार्टी
सेकंड जो पर्सन है और इंडिविजुअल है या एक ग्रुप को हम शेयर करना चाहते हैं हमारी इंफॉर्मेशन, तो हम उसको कैसे आगे सेंड कर सकते हैं, ठीक है? तो उसको हम बोलते हैं एनकोडिंग। एनकोडिंग में एक चीज बहुत ज्यादा जरूरी होती है कि ये एनकोडिंग या मैसेज जो हमें सेंड करना है उस अगर एक चीज और इसमें मैं ऐड कर देता हूँ, एनकोडिंग ये चीज होती है कि हम मैसेज को तैयार करते हैं। मैसेज को तैयार करना ही है एनकोडिंग, और इस मैसेज को उसी लैंग्वेज में तैयार करना होता है जिस लैंग्वेज में सेंड रिसीवर है जो वो उसको समझ सके। ओके, सो मान लीजिए हम किसी रूरल एरिया में हैं और बेसिकली कम्युनिटी में हम रूरल एरिया में जाते हैं, तो वहाँ के लोग इंग्लिश जो है लैंग्वेज नहीं समझ पाते। अगर मैं पंजाब की बात करूँ तो पंजाबी समझते हैं, तो हमारी जो लैंग्वेज होनी चाहिए कम्युनिकेशन की, तो अगर हम प्रायोरिटी पे पंजाबी लेके चलेंगे तो बहुत सारे लोगों को समझ में आएगी, और हिंदी भी समझते हैं लोग और भी लैंग्वेजेस हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मैसेज और एनकोडिंग जो है वो उसी लैंग्वेज में हो जिसमें वो लोग उसको समझ सके, उनकी कैपेबिलिटी और जो अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी है उन उसी के अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। ओके, सो दैट इज एनकोडिंग, मैसेज को एनकोड करना, तैयार करना ताकि उसे सेंड किया जा सके दूसरी पार्टी की तरफ। नेक्स्ट वन इज द चैनल। नेक्स्ट जो एलिमेंट है उसके बारे में अगर बात करें तो दैट इज चैनल। चैनल को अगर हम एक लाइन में डिफाइन करें तो चैनल इज द मीडियम ऑफ द कम्युनिकेशन। किस चीज के थ्रू, अगर हम कहें किस मीडियम के थ्रू आपने अगर मैं बात करूं तो हमने एनकोडिंग कर ली, हमारे पास सोर्स है, आइडिया है, और अब हमने मैसेज को एनकोड कर लिया, तैयार कर लिया, लेकिन उसे सेंड करने के लिए हमें एक चैनल तो चाहिए। जैसे मान लीजिए अब मैं आपके साथ कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, तो थ्रू टेक्नोलॉजी मैं अपने मोबाइल के थ्रू जो है एक चैनल के थ्रू आपसे बात कर रहा हूँ, जैसे मैं फेसबुक पे लाइव हूँ और यूट्यूब अगर मैं करता हूँ, तो दैट इज एक्टिंग एज अ चैनल बिटवीन यू एंड मी। मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ, मेरा जो मैसेज है वो आप तक पहुँच रहा है, वो किसके थ्रू पहुँच रहा है, मोबाइल के थ्रू। और उसमें आगे अगर मैं सब टेक्नोलॉजीज की बात करूँ, फेसबुक ऐप और यूट्यूब है जिसपे आप मेरे को देख सकते हैं, तो एक चैनल के तौर पे ये सारी चीजें काम करती हैं, मीडियम हम इनको बोलेंगे। और जैसे कि हम बात करें आगे बहुत सारी चीजें हैं, तो यही मीडियम है, इन्हीं को हम चैनल के तौर पे बात करते हैं जिससे हमारा मैसेज किसी दूसरे पार्टी और ग्रुप की तरफ पहुंच रहा है, ठीक है? सो इसी को हम कहते हैं चैनल। लेकिन कुछ एक चीजें हैं, चैनल जो है वो ऐसा होना चाहिए, इसमें बहुत ज्यादा जरूरी चीजें हैं, जो चैनल जो है वो ऐसा होना चाहिए कि आगे वाला जो सेकंड पार्टी है और सेकंड ग्रुप है जिसको हम अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो उसके पास उसकी अवेलेबिलिटी हो, वो इतना ज़्यादा कॉस्टली ना हो कि वो अफोर्ड ना कर सके, या सेंडर जो है वो अफोर्ड ना कर सके। तो ये जो एक बजटेड प्रोसेस जो है वो भी होना चाहिए, और जो चैनल है उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए ताकि वो मैसेज जो है वो एक ग्रुप से या एक इंडिविजुअल से, एक सेंडर से रिसीवर तक इजिली और क्लैरिटी के साथ जो है वो पहुंचा सके। ओके, नेक्स्ट, चैनल जो है वो एक पीस ऑफ पेपर भी हो सकता है और रेडियो भी हो सकता है, एक ईमेल भी हो सकती है। ये मैंने आपको एग्जांपल्स दे दी, वैसे मैंने लाइव एग्जांपल में आपको बता ही रहा हूँ, जैसे मैं आपसे, आपके थ्रू आप मुझसे जुड़े हुए हैं, मैं आपको कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो ये एक चैनल के तौर पे हम वर्क कर रहे हैं, और ये इसी प्रोसेस को हम कम्युनिकेशन कहते हैं कि जैसे मैं आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ। ओके, मैंने भी अपने जो है मैसेज को जैसे मैं अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली, आपको आपकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंगली, आप पंजाबी समझते हैं, हिंदी समझते हैं, तो वैसे ही मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और यही सारी चीज़ों की बात जो है वो मैं कम्युनिकेशन प्रोसेस की बात कर रहा हूँ जो एट प्रेजेंट चल रही है। ओके, नेक्स्ट वन इज द रिसीवर। रिसीवर वो पर्सन है जो एक सेंडर के द्वारा भेजी हुई इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है एक स्पेसिफिक चैनल के थ्रू। ओके, सो इसमें मान लीजिए चैनल जो है, एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि जो आप मेरे को जितने भी लोग सुन रहे हैं, तो आप एट प्रेजेंट यू आर एक्टिंग एज अ रिसीवर। ओके, आई एम द सेंडर एंड यू आर द रिसीवर, और मैं एक चैनल के थ्रू आपसे जुड़ा हूँ, और आप जो मेरे द्वारा सेंड की गई इंफॉर्मेशन है, सेंड की जा रही इंफॉर्मेशन है, उसको रिसीव कर रहे हैं, और रिसीवर जो है उसकी जो कैपेबिलिटी है, इसमें कुछ एक करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए रिसीवर में, इसमें ये बात होती है कि जो सेंडर ने जो इंफॉर्मेशन सेंड की है, ओके, सो उसकी जो लिसनिंग कैपेबिलिटी है और लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी है वो सेम होनी चाहिए, कि सेम लैंग्वेज वो समझ सकता हो जो रिसीवर है, जिसमें जो सेंडर ने वो एनकोड करके मैसेज जो भेजा है।
अदरवाइज वो मैसेज को रिसीवर जो है वो डिकोड नहीं कर पाएगा। डिकोड मीनिंग जो मैसेज सेंड किया गया है उसको अपनी लैंग्वेज में समझना, उसका मीनिंग क्लियर करना। ओके, सो रिसीवर जो है वो कैपेबल होना चाहिए जो सेंडर की जो सेंड की गई इंफॉर्मेशन है उसको डिकोड करने के लिए। सो दैट पर्सन विल एक्ट एज अ रिसीवर। इट माइट बी अ ग्रुप ऑफ पर्सन और अ सिंगल पर्सन। ओके, सो रिसीवर जो है वो आगे मैंने आपको बता दिया है, एक ग्रुप भी हो सकता है, एक इंडिविजुअल भी हो सकता है। ओके, सो दैट विल एक्ट एज अ रिसीव। सो नेक्स्ट वन इज द डिकोडिंग। डिकोडिंग क्या है? अभी मैंने जब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा तो मैंने एक वर्ड यूज किया, डिकोडिंग। डिकोडिंग का मीनिंग क्लियरली है इज द प्रोसेस वेयर द मैसेज इज इंटरप्रेटेड फॉर इट्स कंटेंट। जैसे मैंने पहले आपको बताया, सो जो मैसेज सेंडर ने सेंड किया है उसको रिसीवर अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली, जिस लैंग्वेज में उसको आया है वो अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंगली उसको अंडरस्टैंडिंग जो है उसको मीनिंग उसका क्लियर करता है, तो उसको बोलते हैं डिकोडिंग। जो उसको सेट ऑफ कंटेंट ऑफ इंफॉर्मेशन जो मिला है उसको उसका मीनिंग समझना ही है डिकोडिंग। ओके, और ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा जरूरी है, ये स्टेप भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक सेंडर का सेंड किया हुआ मैसेज डिकोडर और द रिसीवर जो है वो उसको प्रॉपरली अगर डिकोड नहीं कर पाएगा तो सेंडर की जो सेंड की गई मैसेज है उसका कोई भी मतलब नहीं रहेगा। इट विल जस्ट बी अ वेस्ट ऑफ टाइम। और ओके, सो इसलिए जो सेंडर है उसको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो रिसीवर है उसकी कैपेबिलिटी और लैंग्वेज एबिलिटी क्या है, उसकी लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी क्या है। ओके, सो दैट विल बी द डिकोडिंग। इसी प्रोसेस को हम आगे चल के स्टेप को बोलते हैं डिकोडिंग, मैसेज को समझना। एंड नेक्स्ट इज द फीडबैक। लास्ट स्टेप है जो उसमें एलिमेंट्स में, दैट इज द फीडबैक। सेंडर ने अपना जो कंटेंट है उसको सेंड कर दिया आगे, उसको एक चैनल के थ्रू सेंड किया, रिसीवर है उसने उस चैनल के थ्रू रिसीव किया, उसको डिकोड किया और उसका मीनिंग समझा। यहीं तक ही प्रोसेस खत्म नहीं हो जाता, एक स्टेप लास्ट में और है, फीडबैक। ओके, सो फीडबैक क्या होता है कि जो सेंडर ने सेंड किया है, रिसीवर ने उसको डिकोड किया, तो उसके बाद में उसको अगर समझ में आ गया है, ओके, और वो उसकी फीडबैक दी जाती है, यस द मैसेज सेंड बाय द सेंडर इज रिसीव्ड एंड इट इज इंटरप्रेटेड इन अ वेरी गुड मैनर। ओके, दैट मीन्स एक मैसेज दिया जाता है दैट द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज सक्सेसफुल। और अगर कहीं भी सेंडर के सेंड करने में और चैनल में प्रॉब्लम रही या रिसीवर को जो मैसेज सेंड किया गया अगर उसमें कहीं भी प्रॉब्लम रहती है, तो फीडबैक में अगर ये चाहता है कि मैसेज समझ में नहीं आया, ये सारी चीजें, और अगर ये सारी चीजें हो जाती हैं कि अगर मैसेज समझ में नहीं आया, समझ में ना आने का मतलब है कि कहीं ना कहीं एलिमेंट्स में कम्युनिकेशन प्रोसेस में प्रॉब्लम रह गई है और उसको सारी प्रोसेस को दोबारा करना पड़ेगा असेसमेंट के साथ। और फीडबैक बहुत ज्यादा जरूरी है, हम सिर्फ डिकोडिंग तक नहीं छोड़ सकते। ओके, सो एक फीडबैक देनी ज्यादा जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं वैसे बात करूं, एक टीचर जो है वो क्लास में लेक्चर ले रहा है। ओके, सो एट दैट टाइम टीचर इज एक्टिंग एज अ सेंडर एंड द स्टूडेंट्स इन दैट क्लास दे आर एक्टिंग एज अ रिसीवर। सो वो सेट ऑफ कंटेंट और इंफॉर्मेशन जो है वो टीचर जो है वो प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स को, जो भी लेक्चर में वो एक्सप्लेन कर रहा है। जब तक एक फीडबैक स्टूडेंट्स को नहीं की तरफ से नहीं आ जाता टीचर को, तो टीचर को ये चीज सेटिस्फाइड नहीं होती कि जो वो समझाना चाह रहा है स्टूडेंट्स को समझ आ रही है कि नहीं। ओके, अगर फीडबैक आती है कि हाँ जी हमें समझ में आ रहा है, दैट मीन्स कम्युनिकेशन प्रोसेस इज सक्सेसफुल। क्योंकि अगर नहीं, अगर उसमें ये स्टूडेंट्स की तरफ से एक फीडबैक आती है कि हमें समझ में नहीं आया, तो हो सकता है टीचर की आवाज जो है वो पूरी क्लासरूम में नहीं पहुंच रही, या उसके पढ़ाने के तरीके में या लिखने के तरीके में या राइटिंग समझ में नहीं आ रही। सो देयर शुड बी अ प्रॉब्लम इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस दैट हैज टू बी असेस्ड। ओके, सो इस तरह से कम्युनिकेशन प्रोसेस को चलाया जाता है एंड दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, सो फीडबैक जो है इसका लास्ट स्टेप है और सोर्स और आइडियाज का फर्स्ट स्टेप है एंड देयर आर सेवन एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। सो
कुछ एक इसमें करेक्टरिस्टिक्स हैं कम्युनिकेशन में, सो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप लिस्ट कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट है, जो सबसे एक जरूरी चीज है कम्युनिकेशन में होनी ही चाहिए, उसके अलावा हम ये नहीं कह सकते कि हमारा कम्युनिकेशन कंप्लीट है, दैट वर्ड इज क्लैरिटी। अगर आपके कम्युनिकेशन में कहीं में भी प्रॉब्लम है, जैसे कि मान लीजिए अब मैं आपके साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ, अगर मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही है तो क्लियर नहीं होगा आपको, अगर मैं चाहे आपको दिख रहा हूं क्लैरिटी नहीं है तो आपको समझ में नहीं है। ओके और सो क्लैरिटी जो है एक कम्युनिकेशन के प्रोसेस में होना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसके बिना जो है कम्युनिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो मैसेज मैं देना चाहता हूँ वो आप तक पूरा कंप्लीट नहीं पहुंचेगा, या पहुंचेगा तो आधा, तो उसमें जो इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं हो पाएगी, तो कम्युनिकेशन का प्रोसेस जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो। ओके सेकेंड वन इज एम और गोल। हर एक कम्युनिकेशन में एक एम या गोल होना जरूरी है, ठीक है। सो किसी भी काम के लिए आप कम्युनिकेट कर रहे हैं किसी के साथ, तो एक एम, एक स्पेसिफिक एम या गोल होना चाहिए कि आप कम्युनिकेट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, उसका गोल जो है एंड में क्या वो हम अचीव कर पाए। फॉर एग्जाम्पल मैं फिर से हेल्थ एजुकेशन की एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो उसमें क्या है, जब भी हम हेल्थ एजुकेशन देते हैं तो एंड में हम रिकैप्चुलाइज करते हैं जो हमने बताया कम्युनिटी को, तो उनसे हम पूछते हैं, फीडबैक भी लेते हैं। ओके तो हम ये चेक करने के लिए करते हैं कि मेरा एम था इनको बताना, कि आप अलग अलग टॉपिक पे जिस पे भी हेल्थ एजुकेशन देते हैं, जो भी आप बताना चाहते थे, तो आप क्वेश्चन के जरिए उनसे आंसर्स लेते हैं, तो अगर आपको आंसर्स मिलते हैं उसका मतलब ये है कि आपका कम्युनिकेशन का प्रोसेस बहुत बढ़िया था, आपने जो गोल अचीव करना था आप फॉलोअप भी करते हैं, तो आप काफी हद तक वो अचीव कर पाए, आपने कम्प्लीटली अचीव कर लिया है। तो एक एम और गोल जो है वो कम्युनिकेशन प्रोसेस का होना ही चाहिए। ओके सो नेक्स्ट है स्टाइल ऑफ एक्सप्रेसिंग। ओके हर एक कम्युनिकेशन प्रोसेस में जो स्टाइल ऑफ एक्सप्रेसिंग है वो स्पेसिफिक होना चाहिए, सिचुएशन के अकॉर्डिंगली होना चाहिए, आप क्या चीज जो है वो एक्सप्लेन करना चाहते हैं। देखिए कई बार कम्युनिकेशन होता है वो रिटन जरूरी होता है, कई बार वर्बल कम्युनिकेशन है वो आप करना पड़ता है, आप हम सिचुएशन के अकॉर्डिंगली चलना पड़ता है, कुछ चीजें लिख के हमें एक्सप्लेन करनी पड़ती हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वो प्रोसेस, मान लीजिए हम एक फ्लो चार्ट को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, तो फ्लो चार्ट जब तक हम डायग्राम नहीं बताएंगे तो सामने वाले पर्सन को नहीं पता चलेगा, तो उसके लिए हमें डायग्रामेटिकली कुछ रिप्रेजेंट करना पड़ेगा या एक्सप्लेन करना पड़ेगा लिख के। सो रिटन कम्युनिकेशन हमें करना पड़ेगा, कई बार वर्बल कम्युनिकेशन करना पड़ता है, कई बार नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करना पड़ता है, वी हैव टू यूज वेरियस साइंस ऑफ जेस्टर्स, तो वो हमें यूज करने पड़ते हैं। सो इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन दैट कि हम कौन सी टाइप की कम्युनिकेशन जो है वो यूज करें, आगे मैं टाइप्स पे आपको एक्सप्लेन करूंगा। ओके सो स्टाइल ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो भी एक जरूरी चीज है, एक जरूरी करेक्टरिस्टिक है कम्युनिकेशन में। ओके सो एक और पॉइंट है करेक्टरिस्टिक्स में, नो एंड एनालाइज द ऑडियंस। जो ऑडियंस जो है जिनको आप कम्युनिकेट कर रहे हैं जिनके साथ, उनको आपको जानना बहुत जरूरी है, जो भी जो कम्युनिकेटर है, जो सेंडर है, रिसीवर है। ओके जो सेंडर है उसको उसके रिसीवर्स के बारे में पता होना चाहिए भी कौन है, क्या कौन से लेवल की उनकी जो समझ है वो कहाँ तक है, कहाँ तक वो समझ पाएंगे और कैसे समझ पाएंगे, कैसे किस तरीके से, क्योंकि जब तक आप ये एनालाइज नहीं करोगे आप अपना जो मैसेज है वो प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। ओके आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको शुरू से एक्सप्लेन करना है या बेसिक्स उनको आते हैं तो आपको कॉम्प्लेक्स लेवल से स्टार्ट करना है। ओके नेक्स्ट जो है ड्रेस प्रॉपरली। बहुत सारे कम्युनिकेशन में जो है एक ये भी जरूरी चीज होती है, करेक्टरिस्टिक फीचर होता है कम्युनिकेशन में, प्रॉपर ड्रेसअप। ओके सो ड्रेसअप जो है मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो आपका एक अट्रैक्टिव लुक होना चाहिए, मान लीजिए आप नर्सिंग में हैं तो आपका एक प्रॉपर ड्रेसअप है, जैसे व्हाइट यूनिफॉर्म होती है सो नर्सिस की, तो वो होना चाहिए, एप्रन होना चाहिए, आईडी कार्ड्स, सो इसमें हम कहें कि एक लुक आता है कम्युनिकेटर के तौर पे, आपका लुक आता है, प्रोफेशनल लुक आता है, तो इसको भी एक करेक्टरिस्टिक फीचर जो है हम मानते हैं कम्युनिकेशन। ओके तो दीज वर सम ऑफ द पॉइंट्स जो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन में आते हैं, तो आप इनको इनलिस्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाती है जो मेन है इसमें, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो ऑलमोस्ट जो मैंने आपको एलिमेंट्स के बारे में बताया है, तो उससे ज्यादा ही, तो उससे
उसके जैसी ही है प्रोसेस जो है, वैसे तो मैंने आपको बेसिक्स उसके क्लियर कर दी है, लेकिन ये क्वेश्चन है ये भी कई बार शॉर्ट नोट में पूछा जाता है या उससे भी 7.5 मार्क में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप कंप्लीटली एक्सप्लेन कीजिए इन डिटेल में दैट व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन एंड व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन दैट प्रोसेस। ओके, सो उसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो इसमें अलग अलग स्टेप्स हैं, बहुत सारे स्टेप्स हैं, जैसे कि फर्स्ट है आइडिएशन। जैसे मैंने आपको एलिमेंट्स में बताया था सोर्स ऑफ द आइडिया, इसमें इसको टर्म दिया गया आइडिएशन। ओके, सो आइडिएशन क्या है, क्या आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं, आपका आइडिया क्या है, क्योंकि आइडिया से ही आगे चल के इंफॉर्मेशन बनेगी। सो आइडिया क्या है, उसमें आपको इंफॉर्मेशन लिखनी पड़ती है। आइडिया कुछ भी हो सकता है, आपको पहले पता होना चाहिए कि आपका टॉपिक क्या है। टॉपिक के अकॉर्डिंगली आप आइडिया आगे बनाते हैं कि हाँ जी ये हमारा आइडिया, हम ये एक्सप्लेन करना चाहते हैं, मैं ये बताना चाहता हूँ, आगे कम्युनिकेट करना चाहता हूँ रिसीवर के साथ ऐसे। सो ये टॉपिक है, ये आइडिया है, और उसके साथ जुड़ी हुई आप इंफॉर्मेशन फिर आप कलेक्ट करना स्टार्ट करते हैं। सो दैट इज द फर्स्ट स्टेप, दैट इज आइडिएशन। सेकेंड इज एनकोडिंग। एनकोडिंग क्या है, मैसेज को कंपाइल करना, इकट्ठा करना। ओके, सो जब भी आप इंफॉर्मेशन सारी की सारी आप अलग अलग बुक्स से मान लीजिए, ऑनलाइन है रेफरेंस से आप तैयार कर लेते हैं, तो एनकोडिंग करते हैं, मैसेज बनाते हैं। मान लीजिए आप एक ईमेल है, अगर मैं एग्जांपल लूं तो ईमेल आप सेंड करते हैं, तो ईमेल में आप क्या चीज आगे सेंड करना चाहते हैं, उसमें आप कुछ टाइप करते हैं, लिख के भेजते हैं किसी का रिज्यूमे, उसमें अटैचमेंट्स हैं, कुछ अटैचमेंट्स सेंड करते हैं, कुछ फाइल्स हैं किसी भी वर्ड की और किसी भी की, तो उसको सबको इकट्ठा करने को एनकोडिंग बोलेंगे। और जैसे ही आप क्लिक करते हैं सेंड के ऑप्शन पर, वो आपको मैसेज जो है वो रिसीवर के पास चला जाता है। उससे पहले की प्रोसेस जो है दैट इज आइडिएशन एंड एनकोडिंग, मैसेज को इकट्ठा कर। ओके, सो दैट इज एनकोडिंग, एनकोड करना। नेक्स्ट इज द ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन चैनलाइज करना, उसको सेंड करना। जैसे मैंने आपको अभी ईमेल की एक एग्जांपल दी है, तो जैसे ही आप सेंड का जो बटन प्रेस करते हैं, सो वो मैसेज आप कितनों को ट्रांसमिट आके करना चाहते हैं, कितनों को ईमेल करना है। व्हाट्सएप का अगर मैं एग्जाम्पल लू, आप कुछ भी लिखते हैं किसी के लिए मैसेज, तो जो मैसेज आप लिख रहे हैं दैट इज एनकोडिंग। जैसे ही आपने सेंड कर दिया, कितनों का आगे सेंड किया, कितने रिसीवर्स कितने हैं, तो वो सबको मैसेज चला जाएगा। दैट स्टेप विल बी द ट्रांसमिशन ऑफ दैट सेट ऑफ कंटेंट और इंफॉर्मेशन। ओके, नेक्स्ट स्टेप इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज रिसीविंग। ओके, तो उसके बाद आ जाता है रिसीविंग। रिसीव करते हैं जो पर्सन, यानी आपने तो मैसेज सेंड कर दिया, लेकिन आगे जो पर्सन हैं तो वो क्या रिसीव कर रहे हैं, जो आपने मैसेज सेंड किया वो रिसीव करते हैं। ओके, तो रिसीव करने के साथ वो आपका डिपेंड करता है आपने कैसे उनको मैसेज दिया। अगर आपने मान लीजिए एक लेक्चर दे रहे हैं और सामने खड़े होकर आप बोल रहे हैं, दैट विल बी द वर्बल कम्युनिकेशन। तो उसमें आपने कोई चीज लिख के नहीं दी, लेकिन आप बोल रहे हैं, तो वो डायरेक्ट एक कम्युनिकेशन हो जाता है कि आपकी ऑडियंस आपके सामने ही बैठी है। ओके, तो उसमें क्या है, आप बोल रहे हैं और वो सुन रहे हैं। जैसे ही आपने बोलना स्टार्ट किया, तो वो सुन रहे हैं और आपके मैसेज को डीकोड करके समझने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, सो दैट स्टेप इज रिसीविंग। आपने बोला, उन्होंने सुना, और अगर आपने कुछ लेटर आप कुछ लिख रहे हैं बोर्ड पर, तो लिखे हुए को देख रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, समझ रहे हैं, और दैट विल बी द दैट कंप्लीट प्रोसेस इज रिसीविंग ऑफ द मैसेज। ओके, नेक्स्ट इज द डिकोडिंग। रिसीविंग के साथ ही मैंने आपको डिकोडिंग बता दिया है कि डिकोडिंग क्या है, मैसेज जो है उसको समझने की जो कैपेबिलिटी है वो अपनी लैंग्वेज में रिसीवर समझते हैं, दैट इज डिकोडिंग। एंड लास्ट इज द फीडबैक। ओके, सो वो समझने के बाद वो जो ऑडियंस है वो रिसीवर जो सेंडर है उसको मैसेज सेंड करती है दैट द मैसेज सेंड बाय यू हैज बीन रिसीव्ड बाय द रिसीवर एंड इट्स ओके एंड आई और वी आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट स्पेसिफिक मैसेज। ओके, सो अगर इंडिविजुअल है तो और ग्रुप है तो वैसे वो मैसेज को फीडबैक के तौर पर सेंड करते हैं। ओके, सो दैट इज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। मैंने पहले ही आपको बताया एलिमेंट्स और जो स्टेप्स हैं इसमें ज्यादा खास फर्क नहीं है। ओके, सो एलिमेंट्स ही मिलके जो है वो कंप्लीटली बना देते हैं कम्युनिकेशन का प्रोसेस स्टेप्स। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, नेक्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन। सो कुछ एक प्रिंसिपल्स हैं कम्युनिकेशन के, जैसे कि इट शुड बी अप्रोप्रिएट टू द सिचुएशन। कम्युनिकेशन हमेशा ही सिचुएशन के अकॉर्डिंगली होना चाहिए,
कैसे सिचुएशन है, उसमें कौन से टाइप का कम्युनिकेशन चलेगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और हम बात करें अगर वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, कौन सी रिटन कम्युनिकेशन करना है, ओरल कम्युनिकेशन करना है, ये सारी चीजें देखनी पड़ती है, अप्रोप्रिएट टू द सिचुएशन जो है वो होना चाहिए। सेकेंड वन इज द शुड बी हैविंग द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स एंड द पर्पसेस। कम्युनिकेशन जो है वो इसका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, एक पर्पस होना चाहिए, ओके वो गॉसिप में ना आ जाए। ओके सो ऑब्जेक्टिव कम्युनिकेशन का एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, कोई काम के लिए होना चाहिए, कोई ऑब्जेक्टिव, एक स्पेसिफिक गोल हम अचीव करना चाहते हैं, एम है हमारा, तो वो होना चाहिए। नेक्स्ट, इट शुड रिप्रेजेंट द पर्सनैलिटी एंड इंडिविजुअलिटी ऑफ द कम्युनिकेशन। सो इसमें जो पर्सनैलिटी वो आनी चाहिए, कोई प्रोफेशनल मैसेज है, ऑफिशियल मैसेज है, वो उसमें से जो है रिएक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट, इट शुड इन्वॉल्व स्पेशल प्रेपरेशन। अगर आप कम्युनिकेशन करते हैं तो आप थोड़ा सा जो है इसको एक स्पेशल प्रेपरेशन की जरूरत होती है, क्योंकि अगर आपका जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है वो प्रॉपरली प्रिपेयर्ड नहीं है, और अगर जो है आप कम्युनिकेशन करना चाहते हैं लेकिन आपकी इंफॉर्मेशन प्रॉपर वे से आप तैयार नहीं कर पाए, ठीक है, तो हो सकता है कि जो मैसेज सेंडर ने सेंड किया तो वो रिसीवर तक आधा ही पहुंचे या उसका मीनिंग कोई और निकल जाए। ओके सो देयर इज अ नीड ऑफ स्पेशल प्रेपरेशन बिफोर एनी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। जो आपकी इंफॉर्मेशन है उसकी कम्युनिकेशन जो है प्रॉपर होनी ही चाहिए। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन शुड बी ओरिएंटेड टू द इंटरेस्ट एंड नीड्स ऑफ द रिसीवर। तो ये बात बहुत जरूरी है कि कम्युनिकेशन जो है वो इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली होनी चाहिए और रिसीवर जो है उसकी नीड के अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। ओके क्योंकि जब तक रिसीवर का इंटरेस्ट नहीं होगा वो आपका मैसेज जो है उसे रिसीव ही नहीं करेगा। ओके तो उसकी अगर उसकी जरूरत ही नहीं है तो वो आपको मैसेज रिसीव नहीं करेगा या उसकी फीडबैक आपको नहीं देगा। सो दैट वुड बी अ वेस्टेज ऑफ टाइम। ओके सो इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली और नीड के अकॉर्डिंगली है जो आपका वो कम्युनिकेशन होना ही चाहिए। नेक्स्ट, सो कम्युनिकेशन शुड सीक अटेंशन। कम्युनिकेशन है जो ऐसा होना चाहिए कि वो किसी के अटेंशन अटेंशन सीकर होना चाहिए। ओके आप बोल रहे हैं, सामने ऑडियंस बैठी है, आपका पे ऐसा होना चाहिए कि आप उनकी अटेंशन को ले पाओ। ओके ऐसा ना हो कि कम्युनिकेशन, इन शॉर्ट कम्युनिकेशन बोरिंग नहीं होना चाहिए। आप ऑडियंस जो है उसको अट्रैक्ट करो अपनी तरफ। अगर आप ओरल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल एक टीचर है तो वो स्टूडेंट्स की एक क्लास लेता है 45 और 40 मिनट्स और 1 आवर के लिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जस्ट रीड आउट कर रहे हैं या पेपर रीडिंग कर रहे हैं, दैट यू आर जस्ट डूइंग अ फॉर्मेलिटी कि हाँ इसको, इस टॉपिक को करवाना है, दैट्स ऑल। उसमें एक इंटरेस्ट होना चाहिए। जब तक आप इंटरेस्ट अराउज नहीं कर पाएंगे रिसीवर में, तो आपका कम्युनिकेशन है जो वो उस लेवल तक वर्क नहीं करेगा जिस लेवल तक उसे करना चाहिए। सो कम्युनिकेशन शुड बी द अटेंशन सीकर फॉर। ओके जो अटेंशन है ऑडियंस की वो मिलनी ही चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ओके एंड इट शुड बी द इट शुड बी फैमिलियर, एक फैमिलियर कम्युनिकेशन जो है वो होना चाहिए। ओके सो दैट वाज अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ द कम्युनिकेशन। बहुत ज्यादा जरूरी है जब भी आप कोई किसी भी लेवल का कम्युनिकेशन करेंगे या करना है आपको, तो इन पॉइंट्स को आप हमेशा जो है वो पहले आप देख के फिर अपनी कम्युनिकेशन को प्लान कीजिए। क्योंकि इसके अलावा अगर आप कम्युनिकेशन को प्लान करते हैं तो वो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कम्युनिकेशन प्रोसेस आपका फेल भी हो सकता है। ओके नेक्स्ट, टेक्निक्स टू इम्प्रूव द कम्युनिकेशन। सो देर आर सम टेक्निक्स इसके के इनके जरिए हम जो है कम्युनिकेशन है उसको बढ़िया बना सकते हैं। तो कुछ एक टेक्निक्स हैं जैसे कि लिसनिंग। ओके जो ऑडियंस है आपकी वो अगर ओरल कम्युनिकेशन किया जा रहा है तो प्रॉपरली सुने। ओके अगर मान लीजिए आप बोल रहे हैं लेकिन सामने वाली जो ऑडियंस है आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रही, सुन नहीं रही, कम्युनिकेशन फेल हो जाएगा और उसका कोई मीनिंग नहीं रहेगा। जो लिसनिंग है वो प्रॉपरली होनी ही चाहिए। नेक्स्ट इज द क्लैरिफिकेशन। ये क्लैरिफिकेशन और क्लैरिटी वर्ड जो है वो बार बार आ रहा है कि क्लैरिफिकेशन और क्लैरिटी जो है वो होनी ही चाहिए। ओके अगर ये नहीं होगा तो आपका कम्युनिकेशन का प्रोसेस, मैं दोबारा कह रहा हूँ, क्योंकि क्लैरिटी नहीं होगी तो जो इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते हैं वो आगे तक नहीं पहुंचेगी। नेक्स्ट इज फोकसिंग। फोकस करना बहुत जरूरी है क्योंकि जो सेंडर है उसका फोकस, कंप्लीट फोकस होना चाहिए। वो क्या आगे बताना चाहता है, किसी भी टाइप का कम्युनिकेशन है वो क्या आगे बताना चाहता है, उसमें
उसका प्रिसाइज फोकस एक होना चाहिए। ओके, जब तक वो फोकसिंग नहीं होगी कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। और अगर नेक्स्ट कुछ एक पॉइंट्स हैं जैसे कि साइलेंस, ये अगर हम बात करें ओरल कम्युनिकेशन में इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है साइलेंस। देखिए मान लीजिए कोई एक लेक्चर हॉल है, कोई जो सेंडर है जिसने सेंड करनी है, कोई इंफॉर्मेशन देनी है, आगे कोई लेक्चर दे रहा है, तो दैट इज एक्टिंग एज अ सेंडर। ऑडियंस बैठी है लेकिन वहां पे शोर ज्यादा है या किसी और चीज की नॉइस है तो साइलेंस नहीं है, तो जो इंफॉर्मेशन जा रही है वो आवाज पीछे तक जो ऑडियंस तक है वो नहीं पहुंचेगी। ओके, तो वो इंफॉर्मेशन जाएगी नहीं, कम्युनिकेशन होगा नहीं, क्योंकि उनकी आवाज किसी को सुनाई दे देगी। एक एग्जाम्पल मैंने ओरल कम्युनिकेशन में दी है। ओके, सो साइलेंस इज मस्ट फॉर द ओरल कम्युनिकेशन इज अ टाइप। और सजेस्टिंग सजेस्टिंग जो है वो भी इसमें होनी चाहिए। जैसे मैंने कोई भी कम्युनिकेशन कर रहा है उसमें हमेशा ऐसा नहीं होता कि कम्युनिकेशन परफेक्ट होगा, लेकिन कुछ एक सजेशंस हो सकते हैं ऑडियंस की तरफ से कि आप इसमें ये ऐड कीजिए, ये कम्युनिकेशन ज्यादा बेटर हो सकता है, ये भी आप ऐड कर सकते हैं, ये भी ऐसे कर सकते हैं, इस स्टेप को मॉडिफाई कीजिए। तो सजेशंस जो है वो लेने चाहिए ऑडियंस के, स्पेसिफिकली लेने चाहिए, उनकी फीडबैक के ऊपर ध्यान देना चाहिए अगर आप अपने कम्युनिकेशन को बहुत ज्यादा बढ़िया करना चाहते हैं, क्योंकि ये ऑडियंस ही आपको बताएगी कि आप कितने, वो आपको रेटिंग दे सकती है, पॉइंट्स दे सकती है कि आपका कम्युनिकेशन कितना बढ़िया था, वो सजेशन भी आपको दे सकती है। ओके, सो दीज वर सम ऑफ द टेक्निक्स दैट आर इन्वॉल्व इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ द कम्युनिकेशन, और वी कैन से दैट दीज आर द वेज एट हाउ वी कैन इम्प्रूव द कम्युनिकेशन। ओके, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। सो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में अलग अलग बहुत सारे टाइप्स हैं, सो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आपके सामने। सो फर्स्ट आ जाता है एक टाइप है, दैट इज वन वे एंड अ टू वे कम्युनिकेशन। ओके, एज द नेम इंडिकेट्स, वन वे एंड द टू वे कम्युनिकेशन। सो वन वे और टू वे कम्युनिकेशन क्या है? फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन वे, दैट मीन्स जो सेंडर है उसने जो है सेंड कर दिया, अपनी इंफॉर्मेशन है वो सेंड कर दी है ऑडियंस की तरफ, सो दैट इज अ वन वे कम्युनिकेशन। ठीक है, जिसमें मतलब हम कहें जैसे कि रेडियो है, ठीक है, रेडियो पे आपको कोई भी पर्सन जो उस पर बोल रहा है, जो कोई स्पीच दे रहा है, कोई भी उस पर लेक्चर है, तो वो जो सुन रहे हैं रिसीवर उससे क्वेश्चंस जो है वो वापस नहीं पूछ सकते हैं, फीडबैक वहां पे नहीं जा सकती ऑन द स्पॉट। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ आवाज, वो एक वन वे कम्युनिकेशन है, वो वापस नहीं कुछ भी सजेस्ट कर पा रहे, सो दैट इज अ वन वे कम्युनिकेशन एंड दैट इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल फॉर द वन वे कम्युनिकेशन। ओके, टू वे कम्युनिकेशन है सेकेंड एक जो टाइप है, दैट इज टू वे कम्युनिकेशन। इसमें हम बहुत सारे जो मेथड्स हैं वो टू वे कम्युनिकेशन है। टू वे कम्युनिकेशन क्या होता है, जो सेंडर और रिसीवर है उसमें सेंडर जो है इन्फॉर्मेशन सेंड कर देता है और रिसीवर आगे से फीडबैक भी देता है, या वो सजेशंस या क्वेश्चंस भी पूछ सकता है, सो दैट विल बी द टू वे कम्युनिकेशन। ओके, सो ये आपको दो टाइप्स मैंने जो है वो एक्सप्लेन करती हैं। नेक्स्ट इज द फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। सेकेंड जो टाइप है उसके बारे में अगर बात करें तो दैट इज फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। सो फर्स्ट इज द फॉर्मल कम्युनिकेशन। सो ये है, इट इज ऑफिशियली ऑर्गेनाइज चैनल ऑफ कम्युनिकेशन एंड इट इज डिलेड कम्युनिकेशन। ओके, सो इसमें अगर बात करें तो फॉर्मल एक कम्युनिकेशन है, जैसे कि मीटिंग्स हैं, कॉन्फ्रेंसेस है, इसमें ये चीज, ये जो टाइप है ये यूज की जाती है। दैट मीन्स वे सीनियर मोस्ट पर्सन है, देन जूनियर है, देन सब उसके ज्यादा जूनियर पर्सन है, ऐसे करके जो एक स्ट्रेटजी हम फॉलो करते हैं, एक फ्लो ऑफ कमांड होता है और फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है कम्युनिकेशन। दैट मीन्स जो सबसे सीनियर पर्सन है वो ऑर्डर करता है भी ये चीजें होनी चाहिए, और जब हो जाती हैं तो रिपोर्ट जो है वो जूनियर से सीनियर तक जाती है, सो दैट इज अ सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, ऑर्डर जो है फ्लो कर रहे हैं एक सिस्टम में, और कम्युनिकेशन यही है, और जो काम होने के बाद या उसका स्टेटस रिपोर्ट है वो वापस सीनियर की तरफ जा रहा है एक फ्लो में। ओके, सो दैट इज अ फॉर्मल कम्युनिकेशन, जो मीटिंग्स हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन में यूज की जाती है। नेक्स्ट इज द इनफॉर्मल नेटवर्क। ओके, और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इसमें कोई एक स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं की जाती, इसमें कम्युनिकेशन होता है, तो इसमें हम कैसे भी कह सकते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में कुछ दोस्त आपस में बैठे बैठे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, लेकिन वो उसका पता नहीं लग रहा, कोई स्पेसिफिक एम नहीं है, कुछ भी बातें कर रहे हैं, फैमिली की प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं, वैसे ही कुछ बातें कर रहे हैं, तो गॉसिप्स इसमें इंक्लूड हो जाते हैं, तो इनको हम कहते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंडर सारी चीजें आ जाती
ओके, सो दैट वाज अबाउट द फॉर्मल ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट इज द, अगर हम बात करें इसके अलावा, तो वर्बल कम्युनिकेशन आ जाता है। ओके, सो वर्बल कम्युनिकेशन एंड द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट जो टाइप है इसमें वर्बल एंड नॉन वर्बल। सो वर्बल में जो है ओरल और रिटन दो आ जाते हैं। ओके, सो एज द नेम इंडिकेट्स वर्बल है, चीजें वर्बली हम कह रहे हैं। ओके, सो इसमें ओरल आ जाता है। ओरल जैसे कि मैं अब आपसे बात कर रहा हूँ, और अगर कुछ एक चीजें मैं बोल कर और कुछ मैं लिख देता हूँ, सो दैट विल बी अन रिटन कम्युनिकेशन। ठीक है, सो वर्बल में टाइप्स हैं, सब टाइप्स हैं ओरल और द रिटन कम्युनिकेशन। और सेकेंड जो टाइप है दैट इज नॉन वर्बल। अगर मान लीजिए भी जैसे हम साइंस की लैंग्वेज की बात करते हैं, जो पर्सन कई बार है सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, तो उनके लिए हम लैंग्वेज यूज करते हैं, साइन लैंग्वेज होती है। तो सामने वाले पर्सन को हम बात कर रहे हैं उनसे, तो साइन है क्योंकि वो सामने वाले पर्सन हमारे जो वर्बल है कम्युनिकेशन अगर हम करेंगे तो उनकी समझ में नहीं आएगा। साइन लैंग्वेज से हम उनसे बात करते हैं तो वो हमारे जेस्टर्स को देखते हैं, उनसे समझते हैं क्योंकि उनको वो चीजें पता है। तो दैट इज अ एग्जाम्पल फॉर द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ओके, सो जेस्टर्स इसमें मेनली जो है, या साइंस ऑफ द हैंड्स ऑफ द फेस, ये सारी चीजें यूज होती है। ओके, नेक्स्ट है एक टाइप और है ऑन द बेसिस ऑफ द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इसमें मैंने वैसे आपको बता दिया है, एक डाउनवर्ड है और अपवर्ड जो है वो टाइप इसमें इंक्लूड होती है। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो है टाइप है इसमें है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि एक ऑर्गेनाइजेशन है सीनियर टू जूनियर जो है, उसमें जैसे एक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। अगर वो डाउनवर्ड जा रहा है, जैसे कि ऑर्डर जो है वो डाउनवर्ड में जाते हैं, दैट इज ऑल्सो कम्युनिकेशन। और जो रिपोर्ट है उसका फ्लो होता है फ्रॉम जूनियर टू द सीनियर, और द स्टेटस रिपोर्ट है जो, तो दैट इज ऑल्सो टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। वो कम्युनिकेशन कहते हैं, हाँ जी ये काम हो गया है, या उसके स्टेटस रिपोर्ट ये है, दैट इज ऑल्सो टाइप, एंड दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके, सो दीज वर सम ऑफ द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। सो नेक्स्ट जो है इसमें, एक चीज मैं आप में इसमें ऐड करना चाहूंगा, जैसे मैंने अभी आपको वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बताया, एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हमेशा कुछ एक चीजों का ध्यान रखा जाता है, जैसे कि आपका पर्सनल अपियरेंस। सो इन सारी चीजों का जो ध्यान है वो रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। पर्सनल अपियरेंस, सेकेंड इज पोस्चर एंड द गेट, जो आपके खड़े होने का तरीका है या बैठने का तरीका है, बात करने जैसे हम सॉरी बात करने का कह रहा हूँ, जो आपके एक्सप्रेशंस हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, सो ये सारी चीजें हैं, या आपके साइंस हैं हैंड्स के, वो क्या चीज करना चाहते हैं। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल कि आप किसी को बताना चाहते हैं कि बहुत लार्ज साइज में है, तो हम ऐसे करके एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, अगर मैं नहीं भी बोल रहा हूँ तो उनको पता लग सकता है, साइन लैंग्वेज जो है वो सामने वाला जो समझेगा। लेकिन इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो सेंटर है उसको भी वो लैंग्वेज आनी चाहिए, साइन लैंग्वेज, और नॉन वर्बल जो साइंस है उसको पता होने चाहिए, और रिसीवर को भी सेम साइंस जो है वो पता होने चाहिए। ओके, दैट मींस कि बगैर बोले वो आगे वाला पर्सन आपके जो एक्सप्रेशन है, फेशियल एक्सप्रेशन है, गेट है, पोस्चर, उससे आपको समझ सकता है। ओके, सो दैट इज ऑल्सो टाइप। ओके, सो नेक्स्ट जो इसमें टॉपिक है, एक सब टॉपिक में ऐड कर रहा हूँ, सो स्ट्रेटजीज ऑफ द कम्युनिकेशन। ओके, ऑलमोस्ट मैंने आपको टॉपिक एक्सप्लेन कर दिया है सारा है, सो लेकिन इसमें एक सब टॉपिक और है, स्ट्रेटजीज ऑफ कम्युनिकेशन, कि आप कम्युनिकेशन को किस तरीके से बहुत अपना बढ़िया रख सकते हैं। स्ट्रेटजीज क्या क्या है जो आपको फॉलो करनी है, जो पॉइंट्स हैं मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फर्स्ट है थिंक बिफोर यू स्पीक। जैसे अगर आप ओरल कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो आपको पहले ये पता होना चाहिए, जो सेंटर उसको पता होना चाहिए वो क्या बोल रहा है। टॉपिक के ऊपर हमेशा ही जो आप टॉपिक है उसके ऊपर ही बेस्ड होके आके बोलना चाहिए। ऐसा ना हो कि हाँ 1-2 मिनट हो सकता है किसी चीज को आप एक्सप्लेन करने के लिए, कोई एग्जाम्पल दे रहे हैं, दैट्स ओके, लेकिन आपका टॉपिक कुछ और था, लेकिन आपने 15 से 20 मिनट या 25 मिनट, 1 घंटे के लेक्चर में इस चीज पे लगा दिए जो इम्पोर्टेंट नहीं थी। आपको पहले पता होना चाहिए आपने क्या बोला बोलना है, उसके लिए आपको पास पॉइंट्स होने चाहिए, इन पॉइंट्स पे मेरे को इतने इतने टाइम पे बोलना है।
देन ओनली योर कम्युनिकेशन विल बी बेटर। नेक्स्ट इज लिसनिंग। जो ऑडियंस है वो लिसनिंग जो है उनकी बहुत बढ़िया होनी चाहिए। उसमें अगर ऑडियंस आपको सुन रही है आपका कम्युनिकेशन तभी बहुत बढ़िया होगा। साइलेंस होना चाहिए, लिसनिंग जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज क्वेश्चनिंग। ये एक बहुत बढ़िया पॉइंट रहता है लेकिन ये सभी का टाइप के कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व नहीं हो पाता। वन वे कम्युनिकेशन में आपका क्वेश्चनिंग नहीं कर सकते, या और बहुत सारे मेथड्स हैं उसमें आप क्वेश्चनिंग बहुत सारे होते हैं वे आप कर नहीं सकते। टू वे कम्युनिकेशन में आप कर सकते हैं, क्वेश्चनिंग होता है, पूछ सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं, ऐसी चीजें होती हैं। लेकिन क्वेश्चनिंग जो है वो बहुत पॉजिटिव जो है वो जरूरी है, क्वेश्चनिंग भी होनी चाहिए। इससे एक तो जो सेंटर है उसको भी सजेशंस मिलते हैं, हाँ जी ये चीज ऐसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, सजेशंस भी हैं उसको, नए नए क्वेश्चंस भी पता लगते हैं और वो स्टिल आगे अगर कम्युनिकेशन में है इम्प्रूवमेंट की जरूरत है वो इम्प्रूव भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है, इसमें अगर हम बात करते हैं तो एक बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, एक लास्ट में मैं टॉपिक ऐड कर रहा हूँ बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। सो देखिए हमेशा जो कम्युनिकेशन है वो कोई भी जो सेंटर है या रिसीवर है या पूरी प्रोसेस है वो बढ़िया तरीके से करने की कोशिश करते हैं लेकिन कई बार बहुत सारे बैरियर्स एक्ट करते हैं कम्युनिकेशन में जो आगे चल के एक प्रॉब्लम के तौर पे एक्ट करते हैं कि कम्युनिकेशन जो है वो उसमें प्रॉब्लम आती है। तो इन्फॉर्मेशन एक ग्रुप से या एक पर्सन से इंडिविजुअल से दूसरे टाइप पे या सेंटर से रिसीवर तक प्रॉपरली पहुंच नहीं पाती। तो वो क्या क्या है, कुछ एक है जैसे कि ड्यू टू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन है ड्यू टू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें कई बार ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऐसी होती है कि मान लीजिए एक कम्युनिकेशन करना है तो उसमें बहुत सारे पर्सन इन्वॉल्व है तो वो कम्युनिकेशन जो मैसेज है वो पहुंचते पहुंचते इतना डिले हो जाता है कि उसकी या तो जरूरत खत्म हो जाती है या उसका टाइम पीरियड बहुत ज्यादा लग जाता है। तो उस सिचुएशन में उस कम्युनिकेशन का कोई बेनिफिट नहीं रह जाता। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऐसी होनी चाहिए अगर कम्युनिकेशन करना तो इंस्टेंट वो कम्युनिकेशन जो है वो कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट है ड्यू टू, नेक्स्ट अगर हम बात करें लैक ऑफ एबिलिटी टू कम्युनिकेट। कई बार ऐसा होता है जो सेंटर है वो प्रॉपरली मान लीजिए वो लेक्चर कर रहा है तो वो लेक्चर प्रॉपर कर नहीं पाता, मान लीजिए कॉन्फिडेंस की कमी है या किसी और चीज की है या इंफॉर्मेशन प्रॉपर नहीं थी या इंफॉर्मेशन जो है लॉजिकल नहीं थी। तो ये भी एक बैरियर के तौर पे क्योंकि कई बार जो ऑडियंस उनको लगता है कि जो हमें इंफॉर्मेशन दी जा रही है हो सकता है वो लॉजिकल नहीं है या हमें लगता है वो लॉजिकल नहीं है तो वो आपको सुनेंगे नहीं। सो वो एक लॉजिक होना चाहिए उसके ऊपर, एक प्रॉपर एविडेंस बेस आपके पास नॉलेज होनी चाहिए तभी आपका कम्युनिकेशन जो है वो सक्सेसफुल रहेगा। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस टू चेंज। ये बहुत इंपॉर्टेंट बैरियर है, बहुत बार ये कम्युनिटी में भी हमें देखने को मिलता है। मान लीजिए नर्सेज बहुत बार कम्युनिटी में हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करने जाती हैं तो सामने वाले कई बार पर्सन कहते हैं नहीं जी हम ऐसा नहीं करेंगे, आप बता दीजिए लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। तो कई बार वो आपको सुनते ही नहीं, क्यों, क्योंकि वो रेजिस्टेंस उनकी है, वो चेंज नहीं होंगे, वो कहते हैं हमें चेंज नहीं होना, जैसा चल रहा है हम वैसे ही चलेंगे। सो आपका कम्युनिकेशन में एक बैरियर है। कई बार वो कह देते हैं हम सुनेंगे नहीं, तो सुनेंगे नहीं मतलब वो आपका कम्युनिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट ही नहीं होने देते। दैट मीन्स जो रिसीवर जिसने रिसीव करना था वो रिसीव आपके इन्फॉर्मेशन करेगा नहीं, सो दैट विल ऑल्सो एक्ट एज अ बैरियर इन कम्युनिकेशन। सो दैट वॉज ऑल अबाउट द बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। एंड दैट वॉज ऑल अबाउट द टॉपिक ऑफ कम्युनिकेशन। सो आज मैंने आपको इसमें इस टॉपिक में इसका इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, मीनिंग और इसमें टाइप्स जो हैं, प्रिंसिपल्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके मेथड्स में जो कंप्लीट प्रोसेस है और इसमें एलिमेंट्स हैं और बैरियर्स इसके हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। और आज के लिए टॉपिक इतना ही था, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो मैं आपको पोस्ट कर दूंगा। आपके पास इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे कॉलेज के ऑफिशियल पेज के ऊपर आ जाएगी। और एक इंफॉर्मेशन मैं आपको और दे दूँ, 3 से 4 टीचर्स और हैं हमारे कॉलेज की ही साइड से, तो वो आपके साथ जुड़ेंगे अलग अलग। जैसे कि मैं आपको बता दूं मेजर सब्जेक्ट्स हैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग है, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग है,
और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का मैं पार्ट प्ले कर रहा हूँ, नर्सिंग मैनेजमेंट है ओके, और मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के भी हम जो लेक्चर्स हैं अपलोड कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ते रहिए। और आपको जो इन्फॉर्मेशन है, नोटिफिकेशन है, आप जैसे ही पेज लाइक करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन जो है आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैक्सिमम जितने भी आप अगर बेनिफिट लेना चाहते हैं इस लेक्चर से, इन लेक्चर से, हमारे पेज को लाइक करके, और वो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं वीडियोस, ये अवेलेबल रहेंगी हमारे कॉलेज की आईडी के ऊपर ओके, फेसबुक पेज के ओके। सो थैंक यू एवरीवन, और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में वीडियो के नीचे लिख दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो एक्सप्लेन कर दूंगा ओके। थैंक यू एवरीवन।